अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक ठाक हो गए। टाइटल तुम देख लिया होगा, टाइम आप बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 500 तो ज़्यादा पेशनगोईयां कीतियां कि दुनिया का निज़ाम, दुनिया का सिस्टम किस तरह चलेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक लाजमी देखो। तो पहले आप वीडियो देखने तो उस तो बाद आप रिएक्ट करांगे। व्हाट्सएप आंदे आ, इंस्टाग्राम आंदे आ, फेसबुक आंदे आ। फेसबुक ते जेदे मेरे पेज नूं लाइक करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो अज असी इस वीडियो विच गल करांगे गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा कीतियां गईयां भविखवाणियां दी, ते इना विच्चों जो सच भी हो चुकी है अते दूजी भविखवाणी सच होई तां की होवेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 500 तो वध भविखबाणियां कीतियां ने, अते जिन्हां दे विच्चों महाराजा रणजीत सिंह जी दे राज, अंग्रेजां दा भारत आउणा अते अंग्रेजां दा भारत छड्ड के जाणा, अते जदों अंग्रेज जाणगे तां किवें ओह भारत नूं दो हिस्सिआं विच वंड के इक नवां देश बणाउणगे जो कि पाकिस्तान होवेगा। पाकिस्तान दे बारे भी, पाकिस्तान विच तीन जंगा लगनगियां, पर इना विचों एक जंग विच बंगला एक अलग देश बनेगा। 1984 विच हरमंदर साहिब उत्ते हमला होवेगा, अते हरमंदर साहिब उत्ते होण वाला हमला एक औरत दे राज दौरान होवेगा, अते ओ हरमंदर साहिब उत्ते हमला करवावेगी, अते इस हमले विच इन्ना खूह बहेगा कि घोड़े दे खुर भी खून नाल लाल हो जाणगे। अते इस तरह होर भी बहुत सारे भविख वचन गुरु साहिब जी ने अपने दसम ग्रंथ विच दसे हन, जिन्हां विचों काफ़ी हुण तक पूरे हो चुके हन अते कईयां दा अजे पूरा होना बाकी है। गुरु गोबिंद सिंह जी दियां भविखबाणियां विच्चों एक भविखबाणी खालसा राज बारे सी, जो सी कि खालसा राज आउणा ही है। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाउंदे हन कि ये खालसा राज 500 साल तक रहेगा, अते खालसा राज विच ना तां कोई भुखा सौवेगा अते ना ही किसी नूं किसी गल की तकलीफ होवेगी। सारे जने खुशी अते शांति नाल रहेंगे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन हैं अते उन्हां दे ये बचन जरूर पूरे होंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी दसम ग्रंथ विच फरमाउंदे हन कि कुल 24 अवतार होने हन इस धरती उपर, जिन्हां विचों 23 अवतार हुण तक इस धरती उत्ते हो चुके हन अते एक अवतार होना बाकी है। अवतार दा की मतलब है? कल्की सिंह अवतार दे रूप विच यूपी दे संबल जिले विच जन्म लवेगा। गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन कि किवें धरती उत्ते लोग पापा अते शैतानी विच इन्ने लीन हो जाणगे कि धरती पापा अते शैतानी नाल ग्रस्त हो जावेगी। लोग रब दा सच्चा शब्द नज़र अंदाज कर देंगे अते रब नूं ही भुल जाणगे। लोग झूठ अते भरमवाद विच डुबे होणगे, पर सब अपवित्र अधर्मी हो जाणगे। अपने प्यारे लोकां दी रखिया ले वाहिगुरु जी कालकी सिंह धरती उत्ते प्रगट करनगे। ओह घोड़े ते सवार होवेगा अते पापियां उत्ते इवें टुटेगा जिवें कोई शेर होवे। कालकी सिंह हरमंदर साहिब अमृतसर भी जाणगे, पर ये स्पष्ट नहीं कि कालकी सिंह हरमंदर साहिब लड़ाई तो पहला जाणगे जां लड़ाई तो बाद विच। कालकी सिंह अपने सारे दुश्मनां दा
अंत करन तो बाद विश्व विच धर्म नू मुड़ शुरू करनगे अते धर्मवादी लोकां नू धर्म तबाही तो भी बचाउणगे। दसम ग्रंथ दे दूसरे अध्याय विच गुरु साहिब जी ने फरमाया है कि देग तेग जग मैं तहु चले। देग दा मतलब लंगर अते तेग दा मतलब है सतिकार अते शक्ति नूं दर्शाउंदा है। जाति अते धर्म दी परवाह कीते बिना गुरु जी गरीबां अते अजनबियां नूं भोजन देण लई देग अते मनुखता दे जुलम नूं खत्म करन लई तेग दी तलवार। इस लई खालसे दा देग अते तेग सेवा अते शक्ति दा प्रतीक हन। खालसे दा देग अते तेग सदा ही जित प्राप्त करेगा। खालसे दा शाही सिरलेख सर्वव्यापक तौर ते सन्मानित कीता जावेगा अते जित पंथ विच शामिल हो जावेगी। गुरद्वारियां विच रोजाना अरदास विच ओ फरमाउंदे हन कि राज करेगा खालसा बाकी रहे न कोई खवार हो सब मिलेंगे बचे शरण जो हो खालसा राज होवेगा अते कोई वजूद मुरोदी मौजूद नहीं होवेगा। सब गवाचे हुए मिलनगे अते ए याद रखना चाहिदा है कि ए उपरोगत कहावत अज तो तकरीबन 300 साल पहला खुद दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखी गई। एक बार जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सोहावा साहिब स्थान गए सन तद गुरु जी उत्थे बैठे सन अते एक उत्थे एक झंड दा दरख्त सी। ओ बहुत ही वड्डा दरख्त सी अते उस विच एक पिपल दा छोटा बूटा भी उग रहा सी। गुरु साहिब जी ने उस बूटे नू देखिया अते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने फरमाया कि जद ए पिपल दा दरख्त बहुत वड्डा अते विशाल हो जावेगा अते उस झंड दे बूटे नू पूरा खा जावेगा उस टाइम खालसा राज होवेगा अते इस समय वो पिपल दा दरख्त बहुत वड्डा हो चुका है। यानी कि अज दे समय विच वो पिपल दा दरख्त बहुत ही विशाल अते वड्डा हो चुका है अते ए पिपल दा दरख्त झंड दा दरख्त बहुत छोटा हो गया है अते बस कुछ समय बाद ही वो पूरी तरह खत्म भी हो जावेगा अते बस उत्थे पिपल दा दरख्त ही रह जावेगा। इस तरह इसका मतलब जल्द तो जल्द खालसे दा राज होण वाला है। ये जानकारी अते भविख वचन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी द्वारा अपने दसम ग्रंथ विच फरमाए गए हैं जो कि एक ना एक दिन सच होने ही हैं। ते तुहानू ये वीडियो किवें लगी कमेंट करके जरूर दसना अते चैनल नू ये सी अज दी वीडियो। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है खास तौर ते मेरे वास्ते मुसलमान वास्ते खास तौर ते पाकिस्तानियां वास्ते बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो सी क्योंकि विच पाकिस्तान दा भी नाम लिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 200-300 साल पहले एक उन्होंने पेशन गोई कर दिती सी कि पाकिस्तान बन के रहेगा। यार मैनू वैसे यकीन नहीं आंदा कि एक एक सच्ची और एक हकीकत गल है। फिर इत्थे मुगलां दा राज होएगा मुगलां तो बाद फिर गोरियां दा राज होएगा गोरियां दे राज तो बाद फिर पाकिस्तान वजूद विच आएगा। मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 200-300 साल पहले पेशन गोई कर दिती। यार मैं कहना कि इस साडे वास्ते पाकिस्तानियों वास्ते एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जिहड़ा जो जो कुछ उन्होंने कहा जिहड़ी जिहड़ी उन्होंने पेशन गोईयां कीतियां वे
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਫਰੇਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੇਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੈ। ਆਖਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੜਫਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਵੀ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।